नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड में बजट सत्र चल रहा है और आज बजट सत्र का सातवां दिन यानी अंतिम दिन है। सदन के बाहर आज भी विपक्ष के विधायकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। वही दुमका में हुए विदेशी महिला के साथ दुष्कर्म मामले पर भाजपा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में अराजकता का माहौल है और कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। राज्य में ना महिला सुरक्षित है और ना कोई व्यक्ति। इसी बीच भाजपा के कई विधायक कौन है दुमका में हुई घटना को लेकर ये तक कह दिया कि दुमका पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्षेत्र है, गुरुजी का क्षेत्र है और वर्तमान में मंत्री बसंत सोरेन का क्षेत्र है। दुमका में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो राज्य की स्थिति आप जान सकते हैं। वही सत्ताधारी दल के विधायकों का कहना है कि अगर घटना हुई है तो दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा होगी। चाहेंगे कि विदेशी युवती के साथ जो घटना घटी है आपकी सरकार में, तो एक विदेशी महिला के साथ या युवती के साथ ऐसा होता है, झारखंड का छवि कितना खराब होता है। नहीं, गलत है, घटना है और हम उसकी निंदा करते हैं। गलत है, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। घटना घटी है जो वो विदेशी युवती के साथ जो रेप की घटना घटी, उसको किस तरीके से देखेंगे? ये निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक है और एक महिला होने के नाते ये सारा चीज़ जब सुनने को मिलता है तो पूरा हमें झिझोर के रख देता है। इस तरह का मामला आज भी हमारे समाज में, इस तरह के लोग जो हिम्मत करते हैं महिलाओं के साथ गलत करने के लिए, जो महिलाओं को बस एक वस्तु समझते हैं, और ये निश्चित रूप से ऐसे ऐसे लोगों को सबक सिखाने का ज़रूरत है। और आज के समय में भी अगर हम लोग, ये तो सदियों से ही चलता आ रहा है लेकिन आज महिलाएं काफ़ी सशक्त हो गई है, उसके बाद भी इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, तो हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेगी। और मैं हर वैसी महिलाओं के साथ हूँ जो अपने जीवन में संघर्ष कर रही है, और इस तरह की चीज़ों को अगर किसी भी महिला फेस कर रही है तो निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में आएगा, तो मैं तो चुप बैठने वाली नहीं हूँ। और ऐसा कोई भी हादसा होता है उस पर सरकार को कड़ा से कड़ा कार्रवाई करना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, इस पर बिल्कुल कार्रवाई होगा और हमारी सरकार ये कार्रवाई करेगी। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और मैंने डीजी पुलिस से भी बात किया है सवेरे, और मैंने कहा कि एक तो प्रॉपर उसका इलाज हो और जो भी उसके दोषी हैं उन लोगों को कठोर से कठोर सजा मिले, ताकि फिर कोई दूसरे लोग हिम्मत नहीं कर सके इस प्रकार के दरिंदगी करने की। और तीसरा मैंने कहा कि जो यहाँ पुलिस है वहाँ पर, इन लोगों को यहाँ से वहाँ तक सस्पेंड कर देना चाहिए, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर जो जानकारी मिली थी कि वहाँ से जहाँ घटना घटी वहाँ से फिर CH या सरैया 8 लोग ले गया शायद मोटरसाइकिल से, मुझे लगा ये तो अमानवीय चेहरा पुलिस की लगती है, तो पुलिसों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून व्यवस्था पहले ही झारखंड ध्वस्त कर चुका है। पर्यटन टूरिज्म की बार बार लोग बात करते हैं, अगर कोई विदेशी जो इस प्रकार से घूम रहे हैं और उनके साथ इस प्रकार के हादसा होगा तो बताओ झारखंड कौन आएगा। तो हम सब समाज का भी दायित्व बनता है और सरकार का विशेष दायित्व बनता है, ऐसे जिन लोगों ने भी कृत्य किया है उन लोगों को ऐसी सजा मिले कि आने वाला कोई दूसरे लोग फिर किसी माँ बहनों के ऊपर हाथ उठाने की कोई हिम्मत नहीं कर सके। युवती के साथ जो घटना घटी है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और इसमें राज्य की छवि खराब होती है। और हम लोग बार बार कहते हैं कि ये सरकार में सुशासन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, और वैसी जगह जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जहाँ पे गुरु जी बसंत सोरेन जी का कार्यक्षेत्र है, और वैसे जगह पे जब लोग सुरक्षित नहीं हैं, ये तो विदेशी है, यहाँ पे आदिवासी सुरक्षित नहीं है, आम लोग सुरक्षित नहीं है, रोज की घटना आप लोग अखबार के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम है, लूट खसोट करना, पूरे राज्य को लूटना और सरकार बचाना, इसके सिवा ना जनता का इनको चिंता है। मैंने बार बार कहा, सदन में भी कहा, कि आज के थानेदार का जो थानों में पोस्टिंग होता है, जब कभी भी कोई भी थानेदार का पोस्टिंग होता है सबसे पहले ये जानना चाहता है कि ये कहाँ पे क्रिमिनल क्षेत्र है, कौन उग्रवादी क्षेत्र है, कौन उपद्रवी क्षेत्र है। अभी के थानेदार जाते हैं सबसे पहले पूछते हैं कहाँ से कमीशन आएगा, कौन बालू गाड़ी आता है, कौन लकड़ी गाड़ी आता है,
और ये सिर्फ वसूली पदाधिकारी के रूप में बैठा के रखे, थानेदार बैठा के नहीं रखे हैं। सरकार को ये लोग मोटे मोटे पैसा पहुंचाते हैं, उसके बदले इनका पोस्टिंग होता है, तो उनको लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा पेट्रोलिंग से क्या मतलब है? वो तो बालू के घाट पे जाके गाड़ी खड़ा करके अपना रखता है, पेट्रोलिंग गाड़ी खड़ा करके रखता है, वो कोयला जहाँ से निकलता है वहाँ पे पेट्रोलिंग गाड़ी खड़ा करके रखता है। आम लोगों का सुरक्षा शहरों में गलियों में पेट्रोलिंग होनी चाहिए, वो कहाँ हो रही है? आज जहाँ भी गाँव में जाके देखिए, घरों घर में चोरी हो जाता है, बलात्कार हो रहे हैं, बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। CM पूर्व CM जो अपने गुरु जी थे हमारे शिबू सरन जी, उनके घर के सामने गोली चल जाता है, ऐसे सरकार बताइए कहाँ सुरक्षा है, कौन सुरक्षित है? इससे इस सरकार में पूरे राज्य की छवि खराब हो रही है, निश्चित रूप से पूरी जनता देख रही है। आज ये लोग ढिंडोरा पीट के बोलते हैं कि हेमंत सोरेन जी को जबरदस्ती जेल भेज दिया गया। जब जबरदस्ती जेल भेज दिया गया तो आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है बताइए? और ऐसे स्थिति में केंद्र सरकार अगर हस्तक्षेप नहीं करती है, राजभवन हस्तक्षेप नहीं करती है, तो फिर बचेगा क्या? मतलब लूटने का पूरा छूट मिले, ऐसा ये सरकार चाहती है।